असेल वैजनाथ असेल दिलीप असेल बरीचशी कार्यकीर्त बलवली या संघासाठी गाजवली. आज मात्र पुन्हा एकदा तेच खेळाडू, नवीन दिवस, नवीन पर्व, नवीन ट्रॉफी, नवीन सन्मान. आणि या नवीन सन्मानाखातीर आज मात्र तो सन्मान प्राप्त करण्यासाठी देव आणि वैजनाथ यांच्या स्वरूपात ही सलामीची विद्यमान जोडी श्रीराम बलवलीच्या माध्यमातून जात असताना आपण पाहतोय. आमचे परम मित्र बंड्या हे देखील बलवली गावचे रहिवासी, त्यांनी देखील शुभेच्छा दिल्यात श्रीराम बलवली या संघाला. त्यानंतर आमचे मित्र कुशल असतील, ते देखील सातत्याने या संघाच्या पाठीशी असतात, त्यांना देखील त्यांनी देखील या टीमला शुभेच्छा दिल्यात. प्रभू श्री रामचंद्राच्या नावाने खेळला हा श्रीराम बलवली संघ. भव्य दिव्य वास्तू आपण पाहतोय, भव्य दिव्य मंदिर बलवली गावामध्ये प्रभू श्री रामचंद्राचं आहे. आणि दरवर्षी मोठ्या उत्साहामध्ये प्रभू श्री रामचंद्राची जयंती तिथे साजरी केली जाते. संजयजी डंगर साहेब त्या गावचे सरपंच, आणि आज मात्र त्यांनी देखील यांना शुभेच्छा दिल्यात. आपल्या पेण तालुक्यामध्ये एक हिंदी समालोचनाचा मोठा आवाज आणि खरोखर त्यांच्या शब्दामध्ये ती जादू आहे क्रिकेट ऐकताना, ती मात्र तिथे दिसून येते असे आमचे सर्वांचे लाडके समालोचक आणि आत्तामध्ये समाजकारणामध्ये रुजू झालेले संजयजी डंगर साहेबांनी देखील या संघाला शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. पुन्हा एकदा आपण मैदानाकडे वळतोय. दुपार सत्राचा खेळ सुरुवात होतोय. खारपाडा विपक्ष आपण पाहतोय, बलवली या दूड संघांमध्ये हा सामना पाहतोय. खारपाडाच्या वतीनं प्रथम गोलंदाज आपण समीर याला पाहतोय, गोलंदाजी मार्कोर. आणि त्याचबरोबर आपण बलवली संघाच्या वतीनं स्ट्राईक एंडला आपण वैजनाथ पाहतोय आणि नॉन स्ट्राईक एंडला आपण देव पाहतोय. विनंती असेल बलवली संघाच्या 12व्या प्रतिनिधीला की आपण आमच्यासोबत जोडलं जायचं आहे. ठराविक जणांची मला नावं माहिती आहेत, कारण आता नवोदित तुमच्यामध्ये भरणा असेल तर त्यांची नावं आपल्याला माहिती नाही. आता मात्र अक्रॉस द बॅट फटका खेळून खेळला जातोय. आपण पाहतोय मॅडेटरी पॉवर प्ले, मॅडेटरी पॉवर प्ले नंतर फिल्डरला चकवलं जातोय. क्षेत्ररक्षकांनी मात्र तिथे प्रयत्न केला होता, बघूया तो प्रयत्न कितपत यशस्वी ठरतोय. चेंडू मात्र व्यवस्थित तिथे अडवण्यात यश संपादित करतोय हा क्षेत्ररक्षक. आपण पाहिलं क्षेत्ररक्षक हा मिड डीप मिडविकेटच्या दिशेने होता, त्याला थोडी मशक्कत घ्यावी लागली, धावावं लागलं, कारण चेंडू मात्र काऊ कॉर्नरच्या दिशेने आला होता. तो तिकडून धावत येऊन त्या चेंडूला पकडता क्षणी आपण पाहतोय, पाहता पाहता दोन धावसंख्या पूर्ण केली जातात बलवली संघासाठी. अक्रॉस द बॅट फटका खेळून काढलाय. पॅडेटरी पॉवर प्लेचा पुरेपूर फायदा घेत असताना वैजनाथ पाटील मॅन फ्रॉम बलवली पुन्हा एकदा आपण पाहिलं डीप विकेटच्या क्षेत्ररक्षकाने धाव घेतली होती डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने, पण त्याला मात्र म्हणावं तसं सहकार्य लाभलं नाही. आणि आता मात्र चेंडू निसटून जातोय सरळ सीमारेषा पार 4 धावसंख्येसाठी. विजय लोअर फुलटा चेंडू तेवढ्यात ताकदीने चेंडू टेबलला बॅकफ्लिप करतोय आणि मात्र बॉडीला टोचच्या माध्यमातून ट्विस्ट करतोय आणि खतरनाक अफलातून माइंड ब्लोइंग हा फटका येतो वैजनाथच्या बॅटमधून. दणदणीत जिगर ट्रॉफी 2022 षटकार.
चढ़ उतार मत कर प्रवास कराएसो हा प्रवास करता अपन खारपाड़ा संघाला पहतो आता मात्र कुठल्यातरी गोलंदाजाला कमबैक कराव लगे कारण 16 धावसंख्या मोटी धावसंख्या मैंडेटरी पॉवर प्ले मे श्रीराम बलवली मध्यम का महत्वपूर्ण योगदान अपन पाला वैजनाथ का तदनतर देव आ सागर हे मात्र पुढ़ी धुरा सामाता अपन पहतो आता गोलंदाजा की धुरा अपन पहतो खारपाड़ा गावा वती गोलंदाज स्वप्निल याला पाहतोय स्वप्निल मात्र अंडर 24 चा पहिल्या दिवशी खेळला होता त्याला मात्र सेमीफायनल मध्ये त्याला पराभवाचा सामना करावा लागला होता तो पेन कोलीवाडा देवांश तांडेलच्या संघाविरुद्धात आज तोच स्वप्निल पुन्हा एकदा आपल्याला दिसतोय प्रचंड वेगाने गोलंदाजी करण्याची त्याच्याकडे क्षमता आहे चेंडू मात्र बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या दिशेने जातोय तिथे क्षेत्ररक्षक तैनात आहे चेंडूला उचलणार चेंडूची फेकी करणार तोपर्यंत मात्र या चेंडूवर एक धावसंख्या पूर्ण केली जाते पहिल्या दिवशी देखील खेळला होता हा स्वप्निल तोच मात्र पुन्हा एकदा स्वप्निल आपल्याला ओपन राउंड मध्ये दिसतोय तिथे जी चांगली कामगिरी केली होती ती चांगली कामगिरी पुन्हा एकदा करतोय की नाही पाहूया शॉटपिच चेंडू तेवढ्यात ताकदीने चेंडू वळवला आपण पाहिला टोच्या माध्यमातून बॉडीला ट्विस्ट केलं बॅकफ्लिक तक एकदम मोठी होती त्या बॅकफ्लिकला पूर्णपणे रीच केलं चेंडू पर्यंत डिलिव्हर केला स्टँड अँड डिलिव्हर हा फटका होता आता मात्र डीप मिडविकेट सीमारेषेच्या वरून चेंडू 6 धावसंख्येसाठी खेचला जातोय हा मात्र जिगर ट्रॉफी 2022 चा दणदणीत येतोय षटकार नहीं ऑफ स्टंपच्या बाहेर चेंडू फेकला ऐन मोक्याच्या वेळी सागर याला मात्र त्याचा माइंड चेंज करावा लागला स्क्वेअर कटच्या माध्यमातून फटका पॉइंटच्या दिशेने टोलून दिला आणि तदनंतर एक धावसंख्या संपादित केली गेली आता बॅक ऑफ द स्टंप चेंडू जातोय बॅटची कडा घेऊन चेंडू आता बॅक ऑफ द स्टंप जात असताना क्षेत्ररक्षक त्याच्या पाठीमागे धावता धावता पाहता पाहता चेंडू मात्र सीमारेषा पार करतो हा येतोय जिगर ट्रॉफी 2022 चा दणदणीत चौकार अमुक वाणीतून गायलेलं जबरदस्त संगीत आपण पाहिलं संगीताची साथ मात्र या क्रिकेटला मिळतोय आता मात्र बॅकफुटला जाऊन पंच करण्याचा प्रयत्न मगातपासून आपण देव याची खेळी पाहिली तर ती टायमिंग होत नव्हती आणि आज मात्र त्याला स्वप्निल यांनी मात्र माघारी परतवलं सागर यांनी आपण पाहिलं की त्या ज्या वेळेला स्ट्राईक आला त्या त्या वेळेला संधीचं सुणं केलं असा सागर हा आपण पाहतोय स्ट्रायकर फलंदाज बलवली गावचा स्ट्रायकर गोलंदाज देखील आहे म्हणजे अष्टपैलू कामगिरी आतापर्यंत श्रीराम बलवली या संघासाठी केलं आपल्या बलवली गावाचं नाव या टेनिस क्रिकेटच्या पटलावर लावण्याचं काम मात्र प्रत्येक खेळाडूने केलं सर्वात मोठं योगदान असेल ते दिलीप काही वर्षापूर्वी दिलीपचा खूप फॉर्म होता पण असं म्हणतात ना क्लास इज अ परमनंट अँड फॉर्म इज अ टेम्पररी अशा पद्धतीने म्हटलं जातं हा क्रिकेटचा वेदरांडू इतिहास आहे तो मात्र इतिहास पूर्ण नेहमी नेहमी लिहिला जातो स्ट्राइक एंडला आपण पाहतोय दिलीप मी जसं म्हटलं आता मगाशी की बऱ्याच वर्षापूर्वी दिलीपचा देखील चांगला फॉर्म होता पण तो फॉर्म मात्र पुन्हा एकदा सुरळीत चालतोय की नाही बघूया कारण स्ट्राइक एंडला दिलीप दिसेल आपला बलवली गावचा हा सुपुत्र नॉन स्ट्राइकला आपण पाहतोय सागर बलवली गावचाच सुपुत्र आता मात्र घुटना टेक तमाशा टेक अशी पद्धतीची सिच्युएशन होते की काय मला पाहता पाहता आता क्षण आठवण झाली पण आपण पाहिलं की जागेच चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न गुडलेन स्पॉटला चेंडू पडल्यानंतर हलकासा मात्र सबमरीन डिलिव्हरी होते कारण आपण पाहिला चेंडू मात्र यष्ट्यांच्या खालच्या लेवलला जातोय या दरम्यान आपण पाहिलं तर दोन षटकांचा खेळ संपतोय 28 धावसंख्या धावफलकावर लागली जाते श्रीराम बलवली संघाची आणि 28 धावसंख्येमध्ये आपण पाहतोय तर सागर याचं योगदान 8 धावसंख्येचं आहे तदनंतर देव यांनी 6 धावसंख्येचं योगदान दिलं तदनंतर आपण पाहिलं तर वैजनाथ यांनी मात्र 12 धावसंख्येचं वैयक्तिक योगदान दिलं आणि या पूर्ण सांघिक कामगिरीचा विचार केला तर 28 धावसंख्या श्रीराम बलवली या संघाची लागते प्रभू श्री रामचंद्राच्या नावाने खेळलेला हा बलवली संघ आणि खरोखरच प्रभू श्री रामचंद्राचा आशीर्वाद मात्र त्यांना नेहमी आहे कारण आज मात्र गतवर्षामध्ये बऱ्याचशा टूर्नामेंट देखील ते खेळलेत
आणि या गतवर्षाच्या टूर्नामेंटमध्ये प्रभू श्री रामचंद्राचा आशीर्वाद घेऊन पूर्णपणे या बलवली गावातील नागरिकांचा आशीर्वाद घेऊन हा संघ मात्र मैदानात उतरत असतो. बरेचसे त्यांच्या जीवनामध्ये चढ उतार आले पण ते चढ उतार न बघता पाठीमागं न बघता पुढच्या परिस्थितीला सामोरे जाऊन बलवली संघ मात्र अद्याप देखील बिंधास्त त्याच सुस्थितीत उभा आहे आणि त्याचं उत्तर मात्र आपण बघताय. सागर मात्र एक विस्फोटक फलंदाजी करतो त्याच्या समभेट जोडला गेलेला फलंदाज दिलीप आपण पाहतोय. इथे मात्र आपण पाहतोय लेग स्टंपला मारण्याचा प्रयत्न होता. इथे मात्र मी श्रेय पूर्णपणे गोलंदाजाला देईल कारण सागर यांनी ज्या पद्धतीने ऑफ स्टंपला येऊन म्हणजे शफल करून खेळण्याचा प्रयत्न होता हणून पाडला गेला आणि पूर्णपणे ऑफ स्टंपला त्याला झोकून दिलं आणि सागरला एन मोक्याच्या वेळी फटका चेंज करावा लागला आणि फटका हा मागात पडला. सागर बॅक टू द पवेलियन जाईल. डीजे वाजताला आमच्या संधी दिली जाईल. आता मात्र अक्रॉस द बॅट फटका इथं पाहायला मिळतोय. स्टँड अँड डिलिव्हर घुटना टेक तमाशा टेक असा हा फटका. जिगर ट्रॉफी 2022 चा दणदणीत षटकार. डीजे आपण पाहिलं हा षटकार मात्र या गोलंदाजाच्या गोलंदाजीवर ठोकतोय. गोलंदाज ऋतिक आपण पाहतोय खारपाडा गावाच्या वतीनं गोलंदाजी करत असताना पाहिलं. मात्र क्षेत्ररक्षणाच्या व्यूहरचनेमध्ये बदल केला जातोय दिलीप याच्यासाठी. कारण प्रत्येक खेळाडूसाठी क्षेत्ररक्षणाची व्यूहरचना ही आखली जाते. अभिमन्यूला जसं जाल्यामध्ये फसवलं होतं तसं मात्र या दिलीप याला फसवण्याचा प्रयत्न आहे. दिलीप मात्र त्या पद्धतीची शैली यूज करतोय. मगाशी जो फटका केला त्याच पद्धतीचा फटका पुन्हा एकदा खेळण्याचा प्रयत्न होता. मात्र गोलंदाजाने मात्र आता अभ्यास केला, अचूक अभ्यास केला, अचूक लाईन आणि लेंथवर गोलंदाजी केली, गुडलेन स्पॉटला पिक केलं गेलं आणि त्यानंतर ऋतिक याच्या माध्यमातून आपण पाहिलं निर्धाव चेंडूची सांगता झाली. पुन्हा एकदा पुढे सरसावून खेळण्याचा प्रयत्न मात्र हणून पाडला जातोय गोलंदाजाचा. दिलीप मात्र इथे स्ट्राईक घेतोय की काय पाहतोय. दिलीप मात्र इथे स्ट्राईक एंडला येतोय. मात्र मनोहर याला मात्र इथे शांत राहावं लागतंय. बॅटरी पॉवर प्ले संपल्यानंतर मात्र थोडी हणामारी झाली. शेवटच्या षटकाला सुरुवात झाली. शेवटच्या षटकामध्ये काहीशी दिलीप याने हणामारी केली. आता मात्र आपण पाहतोय दिलीप पुन्हा एकदा स्ट्राईक एंडला येतोय कारण एक धावसंख्या जमवली. दुसऱ्या धावसंख्या घेत असताना मात्र घात झाला मनोहर याचा. आता मात्र मोठा फटका जो निर्णय होता स्ट्राईकला येण्याचा तो निर्णय मात्र यशस्वी ठरवतोय. स्टँड अँड डिलिव्हर आकाशाचा वेध घेणारा हा चेंडू जातोय सरळ काऊ कॉर्नरच्या डोक्यावरून 6 धावसंख्येसाठी. डीजे हे वाहन कशा पद्धतीने पेलतोय हे आपण बघणार. पुन्हा एकदा आम्ही डीजे मास्टरला संधी देतोय.
कलवे या गावाचा कलवे जिगर चषक पाऊसला कर पाटील या नावाचा कलवे जिगर चषक पाऊसला छोट्या दादा या नावाचा कलवे जिगर चषक पाऊसला कर पाटील या नावाचा कलवे जिगर चषक पाऊसला छोट्या दादा या नावाचा खबर मध्ये 44 धाव संख्या श्रीराम बलवळी या संघाच्या माध्यमातून काढण्यात आली आणि त्यानंतर 45 धाव संख्येचं आव्हान ठेवले ते खारपाडा या संघापुढे. तर विनंती असेल आपली की आमचा समर्थ लाईव्ह इव्हेंट यूट्यूब लाईव्हच्या माध्यमातून जे क्षणचित्र टिपले जातात या आठवणी साठवल्या जातात त्या चॅनेलसाठी मात्र आपण सबस्क्राईब करायला विसरू नका. लगेचच आपलं मोबाईल काढायचं आहे आणि मोबाईल काढून आपल्या यूट्यूबवर समर्थ लाईव्ह इव्हेंट हा सर्च करा आणि चॅनल समोर आला की सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि लाईक देखील करा आणि आपलं प्रेम सबस्क्राईब रूपी आमच्या चॅनलला द्या अशी आपल्या विनंती करतोय. आमचे हे समर्थ लाईव्ह इव्हेंटचे सर्व टीम हे आपल्याकडे विनंती करतो की आम्हाला आपलं भरभरून प्रेम द्या. आपल्या सेवेमध्ये तत्पर आम्ही आहोत. यापुढे होणाऱ्या देखील टुर्नामेंट आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचं काम करू आणि चांगल्यात चांगल्या बेस्ट क्वालिटीमध्ये आमचा हा चॅनल आहे. तर या चॅनलला मात्र निश्चित आपण सहकार्य करा. भविष्यामध्ये आपण देखील मोठ्या मोठ्या स्पर्धामध्ये आमचा समर्थ लाईव्ह इव्हेंट हा चॅनल दिसेल आणि आपल्यापर्यंत चांगली सेवा देण्याचं काम मात्र आम्ही करत राहणार आहोत. आज मात्र इथे पाहतोय जिगर ट्रॉफी 2022. हम हमारे जान के दुश्मन को हमारी जान कहते हैं. हम हमारे जान के दुश्मन को हमारी जान कहते हैं. मोहब्बत के इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं. मोहब्बत के इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं और हिंदुस्तान के सरजमी पर चल रहे इस मुकाबले को जिगर ट्रॉफी 2022 कहते हैं. जिगर ट्रॉफी 2022 करते हैं. तो मैं हिंदी कॉमेंट्री का आगाज कर चुका हूं. तो चलते हैं हिंदी कॉमेंट्री टेक और यहाँ पे जानदार शानदार मुकाबले जारी है. सुबह के सत्र में थे, अभी दोपहर के सत्र में हम आ चुके हैं. इस दोपहर के सत्र में मुकाबला जारी है. खारपाड़ा बनाम बलवली दो टीमों के बीच ये मुकाबला है. पहले पारी में बल्लेबाजी करते हुए श्रीराम बलवली टीम ने 44 रन बनाए. 45 रन का टारगेट रखा है खारपाड़ा टीम के सामने. टारगेट किस तरह से कंप्लीट किया जाएगा इसका आंखों देखा हाल में मेरे कॉमेंट्री के माध्यम से बताऊंगा. जो कुछ घटनाएं इस मैदान के ऊपर होगी वो सारे दृश्य हमें समर्थ लाइव इवेंट के माध्यम से दिखाई जाएगी और इस मुकाबले की जानदार और शानदार बल्लेबाजों ने उसका नाम है देव, वैजनाथ, सागर, दिलीप. इन भारी भरकम बल्लेबाजों ने चार चांद लगा दिए बल्लेबाजी में. इस वजह से श्रीराम बलवळी टीम देखने को मिल रही है 44 रन बना चुके हैं. 44 रन बना चुके हैं. अभी 45 रन का टारगेट रखा है खारपाड़ा टीम के सामने. वो खारपाड़ा टीम की ओर से दो बल्लेबाज मैदान के ऊपर है. ओपनिंग में आए बल्लेबाज एक तरफ स्वप्निल और दूसरी तरफ देखा जाए तो हर्षल आ चुका है. हर्षद है और स्ट्राइक में स्वप्निल. वही स्वप्निल जो अंडर 24 में पहले दिन खेला था. उसकी टीम पहले दिन में अगर जीत जाती तो सुपर फोर में क्वालिफाइड हो जाती. वही स्वप्निल हमें देखने को मिल रहा है खारपाड़ा गांव की ओर से. काफी जानदार शानदार बल्लेबाजी है खारपाड़ा गांव में. उतनी तेज रफ्तार से गेंदबाजी करने में माहिर हमारे सागर जी. इस बार दौड़ लगाएंगे बल्लेबाज की ओर. इस बार टिप्पा गिरने के बाद ये कवर ड्राइव किया है. कवर ड्राइव के माध्यम से इस गेंद को खेला गया. वहां पे फील्डर तैनात है. फील्डर जब तक गेंद तक रीच हो गए पहुंच जाएंगे तब तक यहाँ पे स्वप्निल ने दो रन मुकम्मल किए है. इस दो रन के साथ यहाँ पे ओपनिंग दी है अपने खारपाड़ा टीम के लिए. स्वप्निल स्ट्राइक एंड में देखने को मिलेगा और हर्षद नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर देखने को मिलेगा. विकेटों के पीछे हमें देव. काफी बढ़िया बल्लेबाजी श्रीराम बलवली टीम के लिए अभी तक करते आ रही है लेकिन आज असफल हुए अपने श्रीराम टीम के लिए. इस बार तेज रफ्तार से गेंद थी उसी रफ्तार से बैकवर्ड में गए और इस बार जानदार शानदार ठोका. ये जिगर ट्रॉफी का छक्का.
तो सामने की तरफ गेंद डाली, उसके बाद अंदर की तरफ आती हुई। स्वप्निल को लगा कि ये उछाल प्राप्त नहीं करेगी, लेकिन सागर के हाइट का अगर सोचा जाए तो उस हाइट के हिसाब से हाई आर्म एक्शन है, जिस तरह से गेंद रिलीज हो रही है हाई आर्म से, उस तरह से गेंद को उछाल प्राप्त हो रहा है। स्वप्निल के मन में संदेह निर्माण कर रहे हैं ये गेंदबाज सागर। फिर से एक बार सागर दौड़ लगाएंगे बल्लेबाज स्वप्निल की ओर। इस बार भी कलाइयों का इस्तेमाल किया है, ऑन साइड के ऊपर इसको मोड़ दिया है। इस बार एक रन मुकम्मल किया जाएगा। इस एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है, स्कोरबोर्ड के ऊपर 9 रन हो चुके हैं। पहले ओवर का खेल जारी है। सागर अपने बलौली गांव के ओर से गेंदबाजी करे, पहले स्ट्राइकर गेंदबाज के तौर पर उनके यूज किया जाए, इस्तेमाल किया जा रहा है। इस ओवर में एक छक्का डाक चुके हैं स्वप्निल भाई। इस दौरान फिर से एक बार दौड़ लगाएंगे सागर। इस बार तो ओवर पिच गेंद थी, बल्लेबाज ने मिस किया और उसके बाद गेंद गई विकेटकीपर के दस्तानों में काफी हद तक आराम करने के लिए। देव वहां पे विकेटों के पीछे अपना बखूबी काम निभा रहे। हर एक खिलाड़ी को जो रोल दिया है, किरदार दिया है, वो किरदार आसानी के साथ निभा रहे। बल्लेबाज को जो किरदार दिया है, वो बल्लेबाज वो किरदार निभा रहा है। गेंदबाज को जो किरदार दिया है, वो किरदार निभा रहा है। अक्षय पाटिल को कॉमेंट्री का किरदार दिया है, वो किरदार निभा रहा है। इस तरह को हर एक को भगवान की तरफ से किरदार दिया जाता है, वो किरदार निभाने में हर एक आदमी को प्रयास करना चाहिए। इस बार अंपायर ने बता दिया कि ये ओवर की समाप्ति हुई है। इस एक ओवर के समाप्ति गैप बाद कुल मिला के खारपाड़ा का टीम का स्कोर है 9 रन। जो बड़ा शॉट आया था स्वप्निल के बैट से, उस वजह से यहाँ पे 9 रन है। तो अभी जीतने के लिए 45 रन का जो टारगेट रखा है, उसमें से 9 रन बना चुकी है खारपाड़ा टीम। पहले ओवर का तो खेल हो चुका है, इस बार हमें डीजे मास्टर को भी थोड़ी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। जो ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर आए थे, मतलब हर एक खिलाड़ी ऑलराउंडर की भूमिका इस बलौली टीम के लिए निभा रहा है और जीत में अपना किरदार बता रहे हैं। इस बार तो बाजू एक खोली, लोड किया बॉडी को और बल्ला घुमाया, गेंद चली। इस बार काउ कॉर्नर के ऊपर से टाटा बाय बाय करते हुए 6 रन के लिए डीजे मास्टर। के दिया है, मुझे लगता है वैजनाथ ने अपने श्रीराम बलौली टीम के लिए डीजे। इस बार नए बल्लेबाज हमें ऑन स्क्रीन के ऊपर देखने को मिलेंगे, इन हैट नंबर 3 संदीप जी। पहले मुझे नाम पता नहीं था, लेकिन मैंने इनको देखा है, भूपेंद्र, संदीप, ये जैसे बड़े बल्लेबाज खारपाड़ा टीम में खेलते आ रहे हैं। इस बार तो बड़ा यहाँ पे शॉट खेला है, गेंद आई है लॉन्ग ऑफ रीजन में, वहां से गेंद को उठाया जाएगा, फेंका जाएगा, तब तक के लिए 1 रन मुकम्मल किया जाएगा। जब हम दर्शकों के भूमिका में जब मैच देखते थे, तो संदीप जी का हम खेल देख चुके हैं। काफी हद तक खारपाड़ा टीम के लिए, खारपाड़ा गांव के लिए अच्छा क्रिकेट खेला है। खारपाड़ा गांव का नाम इस
पेन तहसील में उन्होंने बनाया है। इस बार तो बल्ला घुमाया, वाह भाई वाह। इस बार थोड़ी देर के लिए अगर देखने को मिला कि गेंद अदृश्य हुई थी आसमान में, उसके बाद देखने को मिली काउ कॉर्नर के ऊपर से ये लगा जिगर ट्रॉफी 2022 का छक्का। डीजे बैक टू बैक देखा जाए तो थोड़ी सी ब्रेक के बाद तीन छक्के आए हैं। इस तीन छक्कों के बदौलत खारपाला टीम का अगर स्कोर देखा जाए तो 22 रन के ऊपर। इस बार भी सामने की तरफ खेला गोली की रफ्तार से आती हुई गेंद आता हुआ ये जिगर ट्रॉफी 2022 का तंतनाता हुआ चौका। इस बार काफी बढ़िया बल्लेबाजी, झुली को आग कहते भुजी को खाक कहते चौके और छक्कों की बरसात करने वाले इस बल्लेबाज को खारपाड़ा गांव का स्वप्निल भाई कहते हैं। दोस्तों यहां पे देखा जाए तो ऑन फायर है, बैटरी फुल चार्ज है इस बल्लेबाज की। इस दौरान यहां पे देखा जाए तो भागम दौड़ी हो रही बलौली टीम के इस फील्डरों की, कहां खड़े रहे, कहां यहां पे बल्लेबाज कहां कहां मार रहे, ये सारे दृश्य हम यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं। दोस्तों इस बार बीट किया वैजनाथ ने, सामने की तरफ गेंद दी थी, अतिरिक्त उछाल मिला वैजनाथ को इस गेंद के ऊपर। इस बार देखा जाए तो डॉट गेंद की समाप्ति। इस बार दो ओवर का खेल हुआ है, दो ओवर के बाद टीम का कुल मिला के स्कोर है 26 रन के ऊपर खारपाड़ा टीम हमें देखने को मिलेगी। आने वाली 6 गेंदे और जीतने के लिए 19 रन की जरूरत होगी खारपाड़ा टीम को। ये 19 रन की जरूरत पूरी करने के लिए स्वप्निल और उनके साथ तजुर्बेकार बल्लेबाज संदीप जी खड़े हैं, तो संदीप जी को देखना होगा किस तरह से ये बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि संदीप जी मजे हुए प्लेयर है, पहले अभी थोड़े से एजेड है, लेकिन उनके पहले यंग एज में उन्होंने बहुत सारे मुकाबले जीते हैं अपनी टीम के लिए। इस बार प्रीतेश जी हमें देखने को मिल रहे हैं, बलौली टीम के दर्शक है। मुझे लगता है हमारे मित्र बंडिया जी भी ये मैच देखते होंगे, क्योंकि उनके गांव की ये मैच है, श्रीराम बलौली टीम खेल रही है। आने वाली 6 गेंदों में 19 रन की जरूरत होगी खारपाड़ा टीम को अगर जीतना है तो ये 19 रन रोकने की कोशिश कौन सा गेंदबाज श्रीराम बलौली की ओर से करने वाला, ये भी हम देखने वाले। मुझे लगता है देव, क्योंकि कदमों का यहाँ पे नाप ले रहे है, उसके बाद हमें देखने को मिलेंगे। डीजे थोड़ा सा संगीतमय वातावरण कीजिए। कलवी जिगर चषक पाऊसला छोटा दादा या नावाचा, कलवी जिगर चषक पाऊसला कर पाटील या नावाचा, कलवी जिगर चषक पाऊसला छोटा दादा या नावाचा। इस बार थोड़ा सा दृश्य चेंज हो रहा है, 6 गेंदे आने वाली और जीतने के लिए 19 रन की जरूरत। इस बार देव ने थोड़ा सा अपना जो निर्णय है वो चेंज किया है, क्योंकि हमें गेंदबाज देखने को मिले गेंदबाजी मार के ऊपर। श्री हनुमान जूस सेंटर कलवे, इन्होंने हमें बहुत सारा यहाँ पे सहकार्य किया है, योगदान दिया है। इस बार आदित्य गेंदबाजी मार्ग के ऊपर देखने को मिलेंगे, यंग ये गेंदबाज है तो उसके कंधों के ऊपर जिम्मेदारी दी है, क्योंकि एक ओवर मतलब 6 गेंदे और 19 रन की जरूरत सामने इन एक्सपीरियंस क्लियर संदीप। इस बार तो
कोहली की रफ्तार से गेंद चलेगी, बल्ला घुमाया, गेंद ने रास्ता नापा, लेकिन यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। ये गड़बड़ हमें YouTube में देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप कुछ मत बोलिए, यहाँ पे YouTube है, हम प्लेयर को बोल रहे हैं कुछ मत करिए, YouTube पे हमें देखा जाएगा, हमें मालूम है दया कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पे फुटेज देखे जा रहे हैं, जो फुटेज आएंगे आप तक पहुंचाए जाएंगे। बल्ला तो ऐसे घुमाया था तो गेंद तो मुझे लगता है प्राइवेट कॉलेज के छत पे जाके गिरने वाली है। बल्लेबाजी वही उतना खड़ा है ना, ऐसे लगता है बहुत पावर है उसमें। गेंदबाज देखो कैसे दिख रहा है, उसके सामने खड़ा करेंगे डरी जाएगा बेचारा। के ऊपर मैच है, बलौली टीम खेल रही है, आने वाली अपना जो निर्णय है वो चेंज किया है, क्योंकि हमें गेंदबाज देखने को मिले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर। क्योंकि ऐसे हुआ, एक तरफ जिलेबी थी, एक तरफ वड़ा पाव था, वो जिलेबी की तरफ इसने कैमरा मारा, इसको वड़ा पाव खाना नहीं था, तो इस वजह से सब गड़बड़ हो गई। भाई अंपायर बताएंगे, हाथ ऊपर करो, क्या है इस बार छक्का लगा है, ये छक्के के बदौलत टीम का कुल मिला के स्कोर है। स्कोर है 32 रन हो चुके हैं खारपाड़ा टीम के। मैं पहले ही बोला था ये नया गेंदबाज है, उनके सामने तजुर्बेकार बल्लेबाज संदीप जी है, क्योंकि उनको मालूम है तजुर्बा है क्रिकेट का, उस तजुर्बे के हिसाब से ये बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हैं, क्योंकि भारी भरकम ये बल्लेबाज है। इस बार भी बल्ला तो चला है, कहां तक होगा, इस बार गेंद चली गई तारा मंडल में 6 रन। ट्विस्ट है, क्योंकि आने वाली 3 गेंदें और जीतने के लिए 7 रन की जरूरत। जहां पे डीजे
क्योंकि उनको मालूम है नया गेंदबाज है सामने, संदीप जैसा इनएक्सपीरियंस उनके पास तजुर्बा है, वो बल्लेबाज खड़ा है, वो छक्का मार सकता है क्योंकि वो पावर है, वो पावर जनरेट की, दो छक्के लगाए बैक टू बैक। तीसरे गेंद के ऊपर आदित्य ने जाला सिकंजा कसा और संदीप जैसा भारी भरकम बल्लेबाज बैक टू द पवेलियन गया। इस दौरान अगे आने वाले तीन गेंदों में 7 रन की जरूरत है, जरूरत कैसे पूरी की जाएगी इसका आंखों देखा हाल में अक्षय प्रभावती जनार्दन पाटिल मैन फ्रॉम रावे मेरे कॉमेंट्री के माध्यम से बताऊंगा। और हमारे साथ जुड़े हैं समर्थ लाइव इवेंट के ये यूट्यूब ऑपरेटर और हमारे साथ दूसरे जुड़े हैं गोल्डन डीजे। इस बार आने वाली 3 गेंदें 7 रन की जरूरत, हाई वोल्टेज मुकाबला, सामने खड़े हैं बल्लेबाज क्योंकि उनको मालूम है नया गेंदबाज है सामने। इस बार भी बल्ला बोला हाय हैंडसम बाय बाय टाटा या जिगर ट्रॉफी 2022 का छक्का। आने वाली 2 गेंदें 1 रन की जरूरत, काफी बढ़िया धुनबाजी थी इस प्रतियोगिता के माध्यम से। आज इस प्रतियोगिता का तीसरा दिन, इस तीसरे दिन में मुकाबला जारी है श्रीराम बलौली बनाम खारपाड़ा। तो यहाँ पे आने वाली 2 गेंदें 1 रन की जरूरत होगी खारपाड़ा टीम के लिए। इस बार बल्लेबाज ओमकार खड़ा है सामने, इस बार अलग करने की कोशिश की थी, फ्लैग स्वीप करने की कोशिश, लेकिन कोशिश कामयाब हुई, बैक टू द स्टंप ये गेंद चली गई। इस बार खारपाड़ा टीम ने जीत हासिल की है, इस जीत में किरदार निभाया स्वप्निल, उसके